समाधान की एक और लेक्चर में आप सभी का। और जो हमारा चला था सेमेस्टर फर्स्ट चला था, फर्स्ट सेमेस्टर की बात करें पेपर फर्स्ट के तहत हमारी यूनिट नंबर 3 चल रही थी संकरण। आज हमारा जो टॉपिक चलने वाला है वो टॉपिक चलेगा संयोजिता कोष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत, या इसको शॉर्ट में क्या कहते हैं हम, विस्पर कहते हैं। क्या कहते हैं? विस्पर कहते हैं। अब देखिए जो विस्पर का जो सिद्धांत था, दो वैज्ञानिक थे हमारे पास, गिलेस्पी और नाइहोम। नाइहोम जो गिलेस्पी ने किसका सिद्धांत दिया था, विस्पर का सिद्धांत दिया था। किस प्रकार से दिया था? उनने कहा कि जब हम बात करते हैं कोई परमाणु की, किसकी बात करते हैं, अगर किसी परमाणु की बात करते हैं, उस परमाणु में भी अगर बात करें केंद्रीय परमाणु, इसकी बात करते हैं हम केंद्रीय परमाणु, केंद्रीय परमाणु की आप बात करोगे तो उसमें संयोजकता कोष, ठीक है, उस संयोजकता कोष में भी कोई कक्षक जिसमें क्या हो, कोई इलेक्ट्रॉन क्या हो, भरे हो, ठीक है, वो किसी स्थान या स्पेस में इस प्रकार से स्थित होंगे कि उनमें क्या हो, न्यूनतम प्रतिकर्षण लगे। क्या लगे उसमें? न्यूनतम प्रतिकर्षण बल लगे। इसको क्या बोलते हैं? विस्पर का सिद्धांत या संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत कहते हैं, ठीक है। अब पुनः देख लेते हैं, हमने क्या कहा कि कोई परमाणु है, उस परमाणु में अगर बात करो कि केंद्रीय परमाणु, केंद्रीय परमाणु की हम बात करें संयोजकता कोष, संयोजकता कोष में भी वो कक्षक जिसमें इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से भरे हों, उसमें क्या होता है, वो इस प्रकार स्थान स्पेस में इस प्रकार से होते हैं तो उनमें न्यूनतम प्रतिकर्षण बल लगे। आगे चल कर इसी आधार पर पाउली ने भी अपना अपवर्तन का सिद्धांत दिया। उन्होंने कहा था कि जो परमाणु की अगर बात करोगे, उस परमाणु की हम बात करें तो उसमें कोई इलेक्ट्रॉन किसी कक्षक के अंदर इस प्रकार से स्थित होगा कि उसमें क्या लगे, न्यूनतम प्रतिकर्षण लगे। इसीलिए जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, जो स्पिन कर रहे होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे के विपरीत, एक दूसरे क्या होते हैं, वो विपरीत होते हैं, एक दूसरे क्या होते हैं, वो विपरीत होते हैं। पाउली ने यह कहा कि जो कोई कक्षक है, परमाणु को कक्षक है, उस कक्षक के जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो कुछ इस प्रकार से होते हैं कि उनमें न्यूनतम तो प्रतिकर्षण बल लगे, और इस कारण से वो क्या होते हैं, उनका जो चक्र ना विपरीत पाया जाता है, एक दूसरे के वो विपरीत होते हैं। अब आगे बात करें तो इसके कुछ प्रमुख बिंदु हैं। जैसे पहले बिंदु की अगर बात करोगे, वो है केंद्रीय परमाणु के संकरण के प्रकार। जो संकरण का जो टॉपिक था हमने अच्छे से कवर किया था, ठीक है। जैसे हमने देखा था कि sp जो संकरण होता है वो होता है रेखीय, और उसका कोण कितना होता है 180 डिग्री। sp2 की बात करोगे तो समतल त्रिभुजी होता है, और उसका कोण कितना होता है 120 डिग्री। तीसरे की अगर बात करोगे तो sp3 जिसका आकृति कैसी होती है, चतुष्फलकीय होती है, और कोण कैसा होता है 109 डिग्री 28 मिनट। sp3d की बात करोगे, त्रिभुज पिरामिड होता है, और 120 डिग्री और 90 डिग्री दोनों इसका कोण की वैल्यू हो सकती है। और sp3d2 की बात करें तो कैसा होता है, अष्टफलकीय होता है, इसकी ज्यामिति कोण क्या होता है 90 डिग्री होता है। अब केंद्रीय परमाणु की संयोजकता इलेक्ट्रॉन संख्या भी देखेंगे। अब देखिए मैथेन, अमोनिया और जल देखोगे, तीनों का अगर आप संकरण देखने की कोशिश करोगे तो sp3 होता है, परंतु इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखिए इसमें 4, 5 व 6, और यहाँ पर आप देखो सिग्मा बंधन भी हमने निकाला था, जहाँ पर देखे 4, 3 व 2 मिलते हैं, और एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म इसके अंदर नहीं है, इसके अंदर 1 है और इसके अंदर 2 है। आकृतियों की बात करें, इसकी चतुष्फलकीय पिरामिड में कोनी होती है, इसकी कुछ संरचना है। इस टॉपिक को हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर अच्छे से कवर किया था, किस प्रकार से इसमें जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म रहते हैं, किस प्रकार के अंदर इसके अंदर क्या रहते हैं, सिग्मा बंध रहते हैं, इनके बारे में हमने अच्छे से चर्चा की थी। ये दो टॉपिक हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर अच्छे से कवर किए हुए हैं। तीसरा जो हमारा टॉपिक था वो था केंद्रीय परमाणु अबंधी इलेक्ट्रॉन की युग्मन की संख्या।
अगर देखिए कहीं पर भी आपको क्या दिखे, दो ए-बंधी इलेक्ट्रॉन, तो उसकी वैल्यू ज़्यादा बड़ी होगी। फिर किसकी बड़ी वैल्यू होने वाली है, एक ए-बंधी हो एक बंधी हो, और सबसे कम किसकी होने वाली है, दो बंधी इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है, अब आ रहा है अगला आता है बंधी स्थानीकरण और ए-बंधी अस्थानीकरण क्या होते हैं, इनको समझ लेते हैं बंधी को। देखिए जब कोई भी इलेक्ट्रॉन दो नाभिकों के आकर्षण बल से, या कह सकते हो को दो इलेक्ट्रॉन है या कोई एक इलेक्ट्रॉन युग्म है, वो क्या होते हैं, दो नाभिक है, उन दोनों नाभिकों के आकर्षण बल से क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं, या आकर्षण बल का उन पर क्या रहता है, प्रभाव रहता है। तो वो इलेक्ट्रॉन कैसे हो जाते हैं, बंधी स्थानीकृत इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। ठीक है, कोई इलेक्ट्रॉन है, उनके दो नाभिक है, उन दोनों नाभिक के आकर्षण बल के कारण, ठीक है, परमाणु का नाभिक होने वाला है। ठीक है, कोई इलेक्ट्रॉन है परमाणु के नाभिक के द्वारा, उसके द्वारा क्या लगता है, इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण बल लगता है, और वो क्या होते हैं, बंदी हो जाते हैं, एक स्थान पर रुक जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं, बंदी स्थानीकृत इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जब किसी भी इलेक्ट्रॉन पर जो परमाणु और नाभिक है वो आकर्षण बल का प्रभाव नहीं डाल पाता है, कोई भी परमाणु का जो नाभिक है वो इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण बल का प्रभाव नहीं डाल पाता है, तो वो क्या हो जाते हैं, अस्थानीकृत, या इसको दूसरे में हम कहते हैं द्विस्थानीकृत कहते हैं। ठीक है, ए-बंधी इलेक्ट्रॉन का उसको द्विस्थानीकरण कहा जाता है, और यह क्या करता है, अधिक आयतन भी घेरता है, क्या घेरता है, ये अधिकतर आयतन भी घेरता है। तो एक बार इतना आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसमें हम इसके जो पांच प्रमुख पॉइंट है उनके बारे में बात करने वाले हैं। देखिए इसके पांच पॉइंटों की हम बात करते हैं। पहला पॉइंट देखते हैं इसके अंदर कि जो हम बात करते हैं केंद्रीय परमाणु की, किसकी बात करते हैं, केंद्रीय परमाणु की। अगर यहाँ पर कोई केंद्रीय परमाणु है, सेंट्रल एटम है, अगर ये केवल बंदी इलेक्ट्रॉन युग्म से घिरा रहता है, केवल जो केंद्रीय परमाणु है वो केवल बंदी इलेक्ट्रॉन युग्म से घिरा रहता है, तो उसके आकार में नो चेंज, उसके आकार में कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। अगर वो केंद्रीय परमाणु किसी अणु की बात करोगे, उसके अंदर जो केंद्रीय परमाणु है, अगर वो केंद्रीय परमाणु किसी भी बंदी इलेक्ट्रॉन युग्म के द्वारा घिरा हुआ आता है, उसके आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्या नहीं होता है, उसके अंदर परिवर्तन नहीं होगा। जैसे हम बात करते हैं मैथेन की, ठीक है, इसी बात करते हैं मैथेन की, तो मैथेन की अगर बात करोगे, जैसे हमने यहाँ पर किया था मैथेन के लिए, तो उसके आकार में क्या होगा, कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, कैसा आकार होगा उसका, चतुष्फलकीय होने वाला है। ठीक है, उसका आकार कैसे होने वाला है, चतुष्फलकीय ही होने वाला है। अगर बात करते हैं उसके दूसरे पॉइंट की, अगर ये कोई केंद्रीय परमाणु अगर ये बंदी या अबंदी इलेक्ट्रॉन युग्म से घिरा रहता है, तो इसके आकार में क्या होगा, परिवर्तन, कैसे, तो इसमें विकृति भी उत्पन्न होगी, विकृति या इसके अंदर आकार में परिवर्तन आएगा। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं NH2 का, वैसे इसका कोण कितना होना चाहिए, 109 डिग्री अटैचमेंट होना चाहिए, होता है कितना इसका, 160 डिग्री 40 मिनट होता है। ठीक है, अगर बात करते हैं इसमें तीसरे की, ठीक है, अगर तीसरे की बात करें, अगर हम लेते हैं BX टाइप का लेते हैं, और इसके अंदर हम बात करूँ जैसे B और ये, अब B की लगातार विद्युत ऋणता बढ़ती है, किसकी, B की विद्युत ऋणता, बढ़ेगी, तो इसके जो कोण है वो घटेगा, कोण क्या होने वाला है इसका,
घटने वाले। जैसे हम देखें आई, ठीक है, ठीक है, इस प्रकार से इनकी वैल्यू होती है। कोण की अगर देखोगे, इसका होता है 102 डिग्री, इसका होता है 101 डिग्री, इसका होता है 100 डिग्री 1 मिनट, इसका होता है 93 डिग्री 8 मिनट। इन प्रकार से इसके कोण की वैल्यू आती है। चौथा अगर पॉइंट की अगर बात करोगे, देखिए अब कोई भी यहाँ पर बंदी इलेक्ट्रॉन युग्म है, बंदी इलेक्ट्रॉन युग्म, युग्म इलेक्ट्रॉन कहते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म है, ठीक है। अब वो क्या करता है, ये तो आता है पूर्ण भरा हुआ कक्षक, पूर्ण भरा हुआ कक्षक आता है। एक यहाँ पर आता है अपूर्ण कक्षक। अब जो बंदी इलेक्ट्रॉन युग्म है वो पूर्ण कक्षक दोनों पे क्या लगाता है, प्रतिकर्षण बल लगाता है। क्या लगाता है, प्रतिकर्षण, क्या लगाता है, प्रतिकर्षण लगाता है। परंतु अब देखिए ज़्यादा प्रतिकर्षण किस पर लगाएगा, जो कक्षक पूर्ण भरे हुए होते हैं, ज़्यादा किस पर लगाएगा, इस पर, और इस पर क्या लगाता है, वो कम लगाता है, ठीक है। अब जो बंदी इलेक्ट्रॉन युग्म है वो क्या करता है, पूर्ण जो कक्षक होते हैं, पूर्ण हो या अपूर्ण दोनों पर लगाता है, प्रतिकर्षण लगाता है। ज़्यादा किस पर लगाएगा, जो पूर्ण भरे हुए होते हैं। एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे H2 है, जल का अणु है, ठीक है। उसको जब जल में अगर बात करोगे इनकी, तो ऑक्सीजन की जब बात करते हैं तो इसमें क्या होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। कितने भरे जा सकते हैं, अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन। और जब ये जल के अंदर जाएगा तो ये 8 इलेक्ट्रॉनों से घिरा रहता है, तो ये पूर्ण हो जाता है ये, ठीक है। कक्षक क्या हो जाता है, पूर्ण हो जाता है। परंतु जब बात करोगे H2S की, तो सल्फर की अगर बात करोगे, सल्फर में आता है डी कक्षक। क्या आता है, डी कक्षक। डी कक्षक आने के कारण इसमें पूर्ण कक्षों की संख्या कितनी रह जाती है, 18, कि 18 भरे जा सकते हैं इसके अंदर। और अपन जल के जब जाता है तो ये इलेक्ट्रॉन किससे कितने के दे देता है, 8 इलेक्ट्रॉनों के द्वारा घिरता है। भरे जाने थे इसके अंदर 18 पूर्ण करने के लिए, भरे कितने गए 8, तो ये क्या रह जाता है, अपूर्ण रह जाता है। इस कारण से अगर बात करोगे, ठीक है, यानी कौन भी क्या होता है, घट जाता है। जैसे हम बात करते हैं H2O की, ठीक है, इसकी अगर बात करोगे, इसका कौन होता है लगभग 104 डिग्री 31 मिनट, इसकी बात करोगे 92 डिग्री होता है, ठीक है। प्रतिकर्षण बल भी बढ़ा है, प्रतिकर्षण बल के कारण इसके कौन की वैल्यू भी घट जाती है। पांचवा जो हमारा टॉपिक अंतिम और आखिरी पांचवा टॉपिक ये है कि जो अबंदी इलेक्ट्रॉन युग्म है, मतलब जो बंद जिन्होंने नहीं बनाया है, क्या है, अबंदी इलेक्ट्रॉन युग्म, वे इलेक्ट्रॉन जिन्होंने क्या नहीं बनाया है, बंद नहीं बनाया, वो क्या करते हैं, बंद बनाने की, युग्म बनाने के लिए क्या किसके पास आते हैं, कक्षक के पास आते हैं। किसके पास जाने पड़ता है, कक्षक के पास जाएंगे। तो एक शर्त है जो कक्षक रखते हैं, या एक शर्त का पालन होना चाहिए कक्षक के अंदर, कि जब कक्षक के अंदर ये अबंदी इलेक्ट्रॉन हैं, वो युग्म बनाएंगे, तो कक्षक में इस प्रकार से स्थित होंगे, कक्षक में क्या होंगे, इस प्रकार से स्थित होंगे, लॉन्ग पैर और लॉन्ग पैर जो प्रतिकर्षण है वो क्या लगे, न्यूनतम लगे। क्या लगे, मतलब एकाकी इलेक्ट्रॉन और एकाकी इलेक्ट्रॉन के मध्य जो प्रतिकर्षण है वो क्या लगना चाहिए, इसके अंदर न्यूनतम लगना चाहिए, इस प्रकार से स्थित होंगे, ठीक है। एक बार इन्हें पुनः देख लेते हैं, संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत के बारे में पुनः देख लेते हैं। ये वैज्ञानिक हमारे पास उन्होंने जो बात की थी, नाइहोम और गिलेस्पी ने दिया था, उसने कहा था कि कोई परमाणु होता है, उसका जो केंद्रीय परमाणु की बात करोगे या अणु की बात करोगे, उसके अंदर जो केंद्रीय परमाणु होता है, उसका जो संयोजकता कोष है, उस संयोजकता कोष के अंदर जो कक्षक होते हैं, वो जो पूर्ण भरे हुए कक्षक होते हैं इलेक्ट्रॉनों से,
वो किसी स्थान या स्पेस में इस प्रकार से होंगे उनके अंदर न्यूनतम क्या लगे, प्रतिकर्षण लगे। इसी आधार पर क्या आते हैं, पाउली आते हैं। पाउली अपने अपवर्तन का नियम लेकर आते हैं, वो भी कहते हैं परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किस प्रकार से स्थित होते हैं कि न्यूनतम प्रतिकर्षण लगे, इसलिए वो क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। इसके लिए उनका इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्या होता है, एक दूसरे के विपरीत दिखाई देता है। ठीक है, इसके आधार पर हमने पढ़े थे वो पांच नियम, संकरण के बारे में देखा था हमने और संयोजकता कोष की संख्याओं के बारे में देखा था। फिर यहाँ पर हमने देखा था बंदी और अबंदी इलेक्ट्रॉनों के बारे में भी देखा था कि जो दो अबंदी इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका मान ज़्यादा होगा फिर होगा बंदी और अबंदी का, फिर सबसे कम होगा बंदी और बंदी इलेक्ट्रॉनों का होने वाला है। फिर हमने जो आगे पढ़ा था वो पढ़ा था स्थानीकरण, और हमने अबंदी इलेक्ट्रॉन और अबंदी अस्थानीकरण इलेक्ट्रॉनों के बारे में पढ़ा था। मैंने कहा था जो बंदी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं ना, वो दो परमाणु के जो नाभिक है वो कुछ इस प्रकार से स्थित होंगे, वो आकर्षण बल के कारण वो क्या एक स्थान पर रहते हैं, जिसके कारण बंदी इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं, स्थानीकरण इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अगर कोई भी उसमें नाभिक के द्वारा आकर्षण बल नहीं लगे उन बंदी इलेक्ट्रॉन युग्म पर, वो क्या होते हैं अबंदी इलेक्ट्रॉन युग्म हो जाते हैं, जो क्या होते हैं विस्थानीकृत हो जाते हैं या अस्थानीकृत हो जाते हैं। अब हम बात करने वाले इसके पर वो पांच नियमों की। पहला नियम आता है कि जो बंदी इलेक्ट्रॉन युग्म है ना, क्या हो बंदी इलेक्ट्रॉन युग्म है, केंद्रीय परमाणु को अगर केवल कौन घेरे रखे, बंदी इलेक्ट्रॉन युग्म, तो उसका आकार नीचे तरफ में कोई परिवर्तन नहीं होता, जैसे मैथेन की चतुष्फलकीय होता है। अगर केंद्रीय परमाणु को विस्फोट सिद्धांत के अनुसार अगर कोई भी बंदी अवयव दोनों के रखते हैं तो उसमें अनियमितता आती है आकार के अंदर और विकृति उत्पन्न होती है। जैसे हम एग्जाम्पल द्वारा से NH2 की बात करोगे, होना चाहिए कितना मान उसका 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए, होता कितना उसका 160 डिग्री 40 मिनट होता है। तीसरे की अगर बात करोगे ABX की बात करोगे तो इस प्रकार से इनका बंद होता है, जहाँ पर जो बी की विद्युतता लगातार क्या होती है बढ़ती रहती है, जिसके कारण का कोण घट जाता है। जैसे हम PI की बात करो, PBR, PCL और PF की बात करोगे, लगातार क्या हो रहा है इनकी वैल्यू घटती जा रही है और देख ले कोण भी हमने लिख लिया है। चौथे पॉइंट की अगर बात करोगे, अगर कोई बंदी इलेक्ट्रॉन है उस बंदी इलेक्ट्रॉन में हम बात करें और कोई कक्षक पूर्ण रूप से भरा हुआ है, तो उसमें जो प्रतिकर्षण का जो मान है अपूर्ण भरे हुए कक्षकों की तुलना में जो बंदी इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण लगाता है वो कम दिखाई देता है। जैसे हमने बात की थी H2O की, H2O ऑक्सीजन के अंदर अधिकतम इलेक्ट्रॉन जो भरे जा सकते हैं वो 8 भरते हैं, जब जल के अंदर वो जाते हैं जल के अणुओं के अंदर वो 8 इलेक्ट्रॉनों से घिरे जाते हैं और वो क्या होते हैं पूर्ण कक्षक रूप में दिखाई देते हैं। जबकि H2S की बात करोगे, टोटल इलेक्ट्रॉन डी कक्षक का 16 इलेक्ट्रॉन आते हैं, भरे जाने उसके अंदर 18 इलेक्ट्रॉन और भरे जाते हैं उसके केवल जल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन, तो वो अपूर्ण कक्ष के रूप में रहता है। अपूर्ण कक्ष के रूप में रहने के कारण उसका कोण घट जाता है, कोण घटकर कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। आखिरी अंतिम इसका जो टॉपिक था वो था अबंदी इलेक्ट्रॉन युग्म की बात करोगे कक्ष की, तो वो युग्म के रूप में आना चाहता है कक्ष के अंदर, वो कुछ कक्ष की शर्त होती है, एक नियम का पालन करता है वो। इस प्रकार से अगर युग्म के रूप में स्थित होना चाहते हैं अबंदी इलेक्ट्रॉन युग्म, तो वो इस प्रकार से स्थित होंगे, उनके जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है उनमें क्या लगना चाहिए, न्यूनतम प्रतिकर्षण बल लगना चाहिए। आशा करते हैं आज का लेक्चर आपको अच्छे समझ में आया होगा। फिर भी मन के अंदर कोई डाउट्स रहती है तो उसको कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिएगा, आने वाली क्लास के अंदर उसका जरूर सोल्यूशन दिया जाएगा। मिलते हैं आपको एक और लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।